हेलो दोस्त, कहते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल है एजुकेशन में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नवोदय विद्यालय समिति परीक्षा 2022 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि एनवीएस द्वारा नॉन टीचिंग पोस्ट पर 8 से लेकर 11 मार्च तक अलग अलग पोस्टों पर परीक्षा आयोजित कराई गई थी, तो दोस्तों वह सफलतापूर्वक संपन्न हो चुकी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आंसर की के बारे में बात करेंगे, कैसे आपको आंसर की चेक करनी है, और दोस्तों एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में विस्तार से बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ एनवीएस ऑल नॉन टीचिंग पोस्ट से संबंधित हर अपडेट सबसे पहले उपलब्ध कराई जा रही है। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले आंसर की के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही एग्जाम खत्म होती है तो स्टूडेंट्स के अंदर सबसे पहले जो टेंशन रहती है आंसर की को लेकर रहती है कि कब तक हमारी आंसर की जारी की जाएगी। लेकिन दोस्तों, जो एनवीएस है उसने अपने एडमिट कार्ड में मैंडेट कर रखा है कि आपकी आंसर की कब तक जारी होगी, तो इस बारे में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। साफ साफ दे रखा है कि आप आंसर की कब तक आ जाएगी। तो देखिए दोस्तों, जो एनवीएस का एडमिट कार्ड है उसमें इंस्ट्रक्शन के अंदर देखिए दोस्तों, आप 13 नंबर का जो पॉइंट है वो देख सकते हो। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि कैंडिडेट्स कैन व्यू द इंडिविजुअल आंसर ऑनलाइन रेस्पॉन्स ऑन आंसर एंड आंसर की फ्रॉम 18/3/2022। तो देखिए दोस्तों, आप देख सको 18 मार्च से है आपको आंसर की देखने को मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, 18 मार्च से आपके आंसर की जारी कर दी जाएगी सभी पोस्टों के लिए। दोस्तों, जो भी एनवीएस की ओल्ड नॉन टीचिंग पोस्ट एग्जाम जो भी लगी थी 8 से लेकर 11 मार्च तक, सभी पोस्टों के लिए, कोई स्पेशल नहीं है कि जूनियर सेक्रेटरीट के लिए, ये सभी पोस्टों के लिए सभी की 18 मार्च से जो है आंसर की दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, आप एप्लीकेशन नंबर अपने और पासवर्ड की मदद से ये आंसर की चेक कर सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, आंसर की लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, 18 तारीख को आपके आंसर की जारी कर दी जाएगी, साफ साफ आपके एडमिट कार्ड में मैंडेट किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए बात कर लेते हैं कट ऑफ के बारे में। तो दोस्तों, कट ऑफ का वीडियो हमने पहले ही अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रखा है कि कट ऑफ कितनी जाने वाली है। तो दोस्तों, कट ऑफ के लिए आप हमारे पुराने वीडियो देख सकते हो। 18 मार्च के बाद में दोस्तों फिर से एनालिसिस किया जाएगा, जैसे ही आंसर की जारी की जाती है तो दोस्तों उसके बाद में एनालिसिस किया जाएगा कि कट ऑफ क्या जा सकती है। दोस्तों, संभावित कट ऑफ के बारे में विस्तार से बात करेंगे। दोस्तों, अभी आप हमारे पुराने वीडियो देख सकते हो कट ऑफ को लेकर क्या रह सकती है संभावित कट ऑफ। ठीक है दोस्तों।